हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IHRM मॉडल के बारे में, जिसे इंटरनेशनल ह्यूमन रिलेशन मॉडल भी कहते हैं। ओ फ्रेंड, डोंट स्किप दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। IHRM मॉडल, आप इसे नाम से समझ सकते हैं कि ये बेसिकली एक सेट है प्रोसेस का, एक्टिविटीज का और फंक्शन का, जो कि हेल्प करता है द बिग MNC, डेट इज द मल्टीनेशनल कंपनीज, टू मैनेज देयर ह्यूमन रिसोर्सेस अक्रॉस द ग्लोब। सिंस मल्टीनेशनल कंपनी, उसका नाम मल्टीनेशनल इसीलिए पड़ा है क्योंकि दे आर वर्किंग अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब। दे आर हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वर्किंग ओवर देयर, सो देर इज अ नीड ऑफ IHRM मॉडल दैट इंक्लूड द सेट ऑफ प्रोसेस, एक्टिविटी एंड द फंक्शन थ्रू विच द मल्टीनेशनल कंपनी मैनेजेज देयर ह्यूमन रिसोर्स अक्रॉस द ग्लोब। जानते हैं IHRM मॉडल क्या इन्वॉल्व करती हैं। IHRM मॉडल इन्वॉल्व रिक्रूटिंग। कंपनीज मस्ट कंसिडर अ कैंडिडेट एबिलिटी टू एडजस्ट टू डिफरेंट कल्चर एंड वर्क सेटिंग इन एडिशन टू देयर स्किल्स एंड द क्वालिफिकेशन। IHRM मॉडल बेसिकली ये चीज इन्वॉल्व करती है रिक्रूटिंग, क्योंकि इट इज़ द मेन पर्सपेक्टिव और मेन पार्ट थ्रू विच अ ह्यूमन रिसोर्स इज एंटर्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी को ये जरूर देखनी चाहिए बातें कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या एबिलिटी है, क्या वो एडजस्ट कर सकते हैं डिफरेंट कल्चर में, अलग वर्क सेटिंग में क्या वो कैपेबल हैं वर्क करने के लिए, along with their skill and the qualification that are required for the job. If a company don't think that the person is able or willing to adjust to different culture or not, then it will lead to employee retention. Then after came the training and development. Companies must provide international training and development to the employees working over across the globe. Third involvement आती है हमारी communication. Companies must implement the cross-cultural communication strategy through which employee will feel hydrated during the working hours and that will lead to a greater production. Then after it came the flexibility. Company must have a flexible approach to HRM to account for differences in business conditions and the culture. IHRM model basically say that there must be flexibility approach to HRM for the employees, for the human resource working in the organization across the globe. Hope करता हूँ friend आपको IHRM model समझ आया होगा, किन चीज़ें उसमें involve होती होंगी वो आपको clear हुई होंगी। For any doubt, do comment, subscribe for more.